हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 चैप्टर के चार क्वेश्चन कर लिए, चार क्वेश्चन की बात कर ली थी। फिर भी आपके जो भी पीछे डाउट हुए हैं, आप अपने मैसेज वगैरह करके वो डाउट सेंड कर सकते हो, आपको वो क्लियर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन ने दिया, एक घना का डिब्बे का एक किनारा 10 सेमी लंबाई का है। घनाकार डिब्बे का एक किनारा कितने सेमी लंबाई का है? 10 सेमी। एक किनारे की लंबाई बोल रखी है उसने कितनी है? 10 सेमी लंबाई का। एक अन्य घनाकार डिब्बे की, ये तो है घन के आकार के, अब घनाकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उसने 12.5 10 8। 12.5 लंबाई है, 10 सेमी क्या है चौड़ाई है उसकी, बी बोल देंगे, 8 सेमी क्या है ऊंचाई, एच हाइट, ठीक है। ये दे रखा है, फर्स्ट इसने क्वेश्चन पुट अप किया है, किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? अब देखो वो बोलता है घन के आकार के डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय, बोलता है सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाकार डिब्बे का अधिक है या घनाभाकार डिब्बे का अधिक है। तो देखते हैं, याद करते हैं, पहले घनाकार फॉर्मूले दिखाई दिए थे, इसके डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × भुजा की स्केयर कितनी देर की है इसकी भुजा 10 सेमी, तो 4 × 10 की स्केयर, तो 10 × 10 ये लिख सकते हैं, 10 × 10 100, तो 400 वर्ग सेमी या सेमी की स्केयर। ये तो आ गया घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी फॉर्मूला लिखाया था 2 × L + B × H, 2 × लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई, तो 2 × L + B 12.5 + 10 × H 8। सोल्व करते हैं, 2 × 8 × 12.5 + 10 तो 22.5, 8 × 2 16 16 5 80, 8 अंसी, फिर 16 × 2 32 और 8 40, 4 अंसी, फिर 16 × 2 32 और 4 36, पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो 360 वर्ग सेमी। अब किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, कितना अधिक है? तो 400 में से 360 माइनस कर दो तो कितना अधिक है? 40 वर्ग सेमी। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? घनाकार डिब्बे का, और कितना अधिक है? 40 वर्ग सेमी। इसी में सेकंड क्वेश्चन पुट अप किया है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो देखो भी फॉर्मूला लगाओगे इसका, सेकंड पार्ट खुद करोगे, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे 6 × भुजा की स्केयर, घनाभाकार डिब्बे का निकालोगे 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। देख लोगे इसमें किसका कम है, इन दोनों में से जिसका कम होगा उनमें अंतर देख लेना कितने का, उतना ही वो कम होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा पौधा घर यानी ग्रीन हाउस है, एक छोटा क्या है? ग्रीन हाउस। सिक्स्थ क्वेश्चन में सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की बोल रखी है और उसका एक किनारा यानी भुजा की लंबाई दे रखी, और फॉर्मूले ही अप्लाई होने थे इसमें। छठे क्वेश्चन में, एक ग्रीन हाउस है संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी उसका सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है,
यह पौधा घर 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ही ऊंचा। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो देखो भी क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू संपूर्ण रूप से शीशों की पट्टी आधार की सॉरी इसमें ये फॉर्मूला लगाओ चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आधार भी सम्मिलित है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये फॉर्मूला निकाल के लगा के उसमें देख लोगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है। फिर सेकंड बोला है 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है, उसके जो 12 किनारे होंगे इस प्रकार से गुणा के आकार के इसके 12 किनारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे, इनकी ये टोटल जोड़नी पड़ेगी, ये हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें जोड़नी पड़ेगी। यानी कि इसके 12 किनारे तो 4 बार ही लंबाई आ गई, 4 बार ही चौड़ाई आ गई और 4 बार इसकी क्या आ गई ऊंचाई। L+B+H 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 12 किनारे ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 4 × L+B+H तो कितनी टेप की आवश्यकता है वो इसमें आपकी आ जाएगी। क्या करोगे भी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हिंट दे रहा हूं मैं, इस छठे क्वेश्चन सबसे पहले 2 इंटू ये फॉर्मूला लगा के उसके आधार का और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, वो तो आपका हो जाएगा फर्स्ट सॉल्व क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी। अब वो बोलता है 12 किनारों के लिए टेप कितनी चाहिए, ये बोल रहा है कि ये जो 12 किनारे हैं इनके लिए टेप की कितनी आवश्यकता है, तो ये सभी आपको जोड़नी पड़ेगी ठीक है। लंबाई जैसे मान लो इसकी है 30 25, चौड़ाई है 30 सेमी, 25 ही ऊंचाई है और 25 ही चौड़ाई है। अगर आपको यहां पर ये सारे 30 प्लस 25 प्लस 30 इस प्रकार से ये चार बार जोड़नी पड़ेगी लंबाई, 12 किनारे हैं इस घर के कितने होते हैं किनारे तो 12 ही होते हैं, ग्राफ के भी किनारे कितने होते हैं 12 ही होते, तो ये चार बार लंबाई जोड़ने की अपेक्षा ये बार बार आप इसको क्या करो चार लंबाई चार चौड़ाई चार ऊंचाई करो, चार कॉमन ले लो L+B+H तो आपके पास टेप की मात्रा है जो भी जितने वर्ग सेमी चाहिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शांति स्वीट स्टोर, फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं होता है तो आप उसमें कमेंट्स में अपने डाउट लिख देना, तो ये क्वेश्चन जो भी आपके हुए हैं या जो भी चैप्टर हुए हैं तो आपको वो दोबारा करवा दी जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर ठीक है, लेकिन एक बार ये करके देखो। नेक्स्ट शांति स्वीट स्टोर अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा, शांति स्वीटोल है जो अपनी मिठाइयों के गत्तों के डिब्बों का क्या दे रहा था ऑर्डर दे रहा। फिर आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है, बड़े डिब्बे की माप 25 × 20 × 5 सेमी, छोटे डिब्बे की माप 15 × 12 × 5 थी, सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। देखो इसमें पहले दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, बड़े डिब्बे की आप पहले तो बड़े डिब्बे का इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × ये उसमें माप आपको इसमें दे रखी है 25 × 20 = 5 कितनी दे रखी है 25 × 20 × 5 तो लंबाई 25 × 20 = 5 ये वैल्यू निकालने के बाद जो भी आपके पास आएगी उसका भगा करोगे, जो भी आपके पास यहां पर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 5% और निकाल लोगे, जितना भी आएगा इन दोनों को करोगे है तो ये तो आ जाएगा बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना गत्ता चाहिए।
फिर निकालोगे छोटे डिब्बे का, फॉर्मूला सेम रहेगा। छोटे डिब्बे का निकालने के बाद उसका भी 5% एक्स्ट्रा निकालो, उसका भी क्या करोगे 5% यानी इनटू 5/100। फिर इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा छोटे डिब्बे का मान। फिर दोनों के जो टोटल आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुके हैं, 250 डिब्बे बनाने हैं तो उसको कितने से गुणा कर दोगे, 250 से, सॉरी इसको 250 से। तो देखो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले तो बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े डिब्बे का समझा देता हूं, छोटे डिब्बे का अपने आप फिर कर लो। क्या दी है इसकी माप, 25 20 5, 25 × 20 × 5 + 5 × 25, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी, तो 2 × 500 + 100 + 125, तो ये यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 725। तो 2 × 5 = 10, 4 × 1 = 5, फिर 2 × 7 = 1450 वर्ग सेमी है या वर्ग मीटर, वर्ग सेमी। अब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त दिया है, तो जो अतिरिक्त दिया है इसका 5% और निकाल दो, 1450 × 5/100, 1450 का 5% परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा में 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 × 2 = 10, तो 2 × 7 = 14, फिर 2 × 2 = 4, 72.5 वर्ग सेमी। इनको टोटल जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5, 0 और 2 यहां पर 0, फिर 5 और 7 = 12, कितनी अंशी, 1 और 4 = 5 और 1 का 1, 1522.5 वर्ग सेमी। इतना टोटल आ गया, डिब्बे कितने चाहिए प्रत्येक परिवार के, 250 डिब्बे, तो इसको कितने से गुणा करोगे, 250 से गुणा करोगे, तो ये किसका आ गया टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है। इसी प्रकार से आप छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका 5% एक्स्ट्रा निकाल के उनको भी जोड़ लोगे, जितना आएगा उसको भी किससे गुणा करना है, 250 से। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का, छोटे डिब्बे का यानी 250 समेत और बड़े का भी 250 समेत, दोनों को जोड़ के लिख लोगे कितना आपके पास आ जाए। फिर आगे बोल रहे हैं गत्ते की लागत ₹4 प्रति 1000 वर्ग सेमी है, 1000 वर्ग सेमी की लागत है वो कितनी है, ₹4, 1000 वर्ग सेमी की लागत कितनी है, ₹4, तो 1 वर्ग सेमी की लागत कितनी हो जाएगी, 1 की निकालिए तो भाग में चला जाएगा 4/1000। तो आपके पास जो टोटल वर्ग सेमी आएंगे उसका इससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो आपके पास रुपयों में मान आ जाएगा कितनी लागत होगी, समझिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, उसके बाद उसने बोल रखा है 5% एक्स्ट्रा गत्ता और लिया जाता है तो उसका 5% और निकालो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर 250 डिब्बे ही बड़े चाहिए, 250 ही कितने चाहिए छोटे, तो 250 से ही गुणा इसको करने है, इसको 250 से गुणा करोगे जो टोटल आपका आएगा यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको जो छोटे डिब्बों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसके साथ क्या कर दोगे, ऐड यानी जोड़ दोगे। उसके बाद उसने बोला है 1000 वर्ग सेमी का खर्चा है ₹4, तो 1 वर्ग सेमी का कितना हो जाएगा, 4/1000, तो जितने वर्ग सेमी है 4/1000 से उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप मैसेज करके ये क्वेश्चन उसमें सेंड कर दोगे, जो भी या पीछे भी क्वेश्चन है उनको सेंड कर दोगे तो ये दोबारा से करवा दिए जाएंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे।